बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट दो में स्थित केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में झुलसे फैक्ट्री संचालक ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। पिछले 12 दिनों से नोएडा के जेपी अस्पताल में जिंदगी और मौत में जूझ रहे थे। इस हादसे में केमिकल फैक्ट्री मालिक राजन जैन का शरीर करीब 60% झुलस गया था। फैक्ट्री संचालक राजन जैन के शव का पोस्टमार्टम उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में अपनी देखरेख में करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि 28 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे बहादुरगढ़ के औद्योगिक आधुनिक क्षेत्र पार्ट दो में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद आसपास की कई फैक्ट्रियों के भवन गिर गए थे और कई फैक्ट्रियों में आग लग गई थी और ब्लास्ट के बाद मलबे में कई जिंदगियां दफन हो गई थी, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया था और 4 दिनों तक सर्च अभियान चलाया गया था और फैक्ट्री ब्लास्ट के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। राजेंद्र जैन की मौत के बाद इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इस हादसे में 35 से ज़्यादा श्रमिक घायल हुए थे।